सो हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देखे तो समझ में आ गया होगा आज का एडिटिंग कैसा होने वाली है। आज का एडिटिंग थोड़ा सा अलग होने वाली है क्योंकि आज की एडिटिंग पे आपको बताऊंगा कलर ग्रेड, स्काई रिप्लेसमेंट, स्किन रिटचिंग, सारे चीजें एक साथ रहेगा एक ही फोटो के अंदर। एंड कैसे आप ये प्रोफेशनल फोटोज बनाते हैं वो सारा चीजें तो रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप के अंदर ले जाऊंगा, वहां पे आपको प्रॉपर एडिटिंग सिखा देता हूं। सो मैंने इधर से मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूं। यहां से देख सकते हो ये वाला फोटो को मैंने ओपन किया। सिंपली बैकग्राउंड को कंट्रोल जे दबाते हुए एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। एंड उसके बाद सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अलग करना होगा बैकग्राउंड से। तो उसके लिए सिलेक्ट पे जाओ एंड यहां से सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन होने के बाद ये मास्क आइकन के ऊपर क्लिक करो तो ये सब्जेक्ट मास्क बन जाएगा। अभी बैकग्राउंड का अगेन कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करो। कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करते हुए वो मास्क के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद सिलेक्ट पे जाओ, मॉडिफाई, एक्सपांड एंड यहां से 20 pixels मैं यहां से डाल के करता हूं ओके। अभी एडिट पे जाऊंगा, कंटेंट एवर फिल के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट साइड पे देखो सब्जेक्ट रिमूव हो चुका है, सिंपली करता हूं ओके। अभी कंट्रोल डी दबा के सिलेक्शंस को हटाता हूं, कंट्रोल ई प्रेस करके इस दोनों लेयर को मर्ज करता हूं जो कि होगा बैकग्राउंड लेयर। अभी टाइम है स्काई रिप्लेसमेंट का, तो अभी एडिट पे जाऊंगा, स्काई रिप्लेसमेंट को चूज करूंगा। सो मैंने यहां से स्काई चूज कर लिया। अभी इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा अप करना पड़ेगा जब तक आपको जितना तक अमाउंट चाहिए। टेम्परेचर थोड़ा सा मैं डाउन करता हूं क्योंकि मेरे को ब्लूइश चाहिए। फोरग्राउंड लाइटिंग, एज लाइटिंग, कलर एडजस्टमेंट इन सारे को जीरो करता हूं एंड लास्ट में करता हूं ओके। तो ये मेरा स्काई का अलग से लेयर बन जाएगा। अभी बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा कलर ग्रेड करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होगा। एंड कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होने के बाद सबसे लास्ट में जाऊंगा, यहां से मिलेगा कैलिब्रेशन एंड इसके अंदर ब्लू प्राइमरी इंक्रीज करूंगा, ग्रीन प्राइमरी इंक्रीज करूंगा, रेड प्राइमरी को भी यहां से इंक्रीज कर लूंगा। देखने में फोटो कुछ ऐसे लगेगा। उसके बाद यहां से शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज कर लूंगा। एंड बाकी है अभी मेन कलर ग्रेड करने का। तो कलर मिक्सर के अंदर सबसे पहले रेड का कलर ग्रेड थोड़ा सा डालूंगा एंड यहां से येलो का कलर ग्रेड जो है वो फुल करूंगा। एंड यहां से आप अपने हिसाब से कलर को सेट कर लो। यहां से मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर्स का जो ह्यू है इसको पूरा -100 करता हूं एंड इसका सैचुरेशन मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। एंड येलो कलर का जो ह्यू है इसको नॉर्मली +30 के आसपास रख के सैचुरेशन हाई करता हूं। अभी मैं कर्व के अंदर थोड़ा सा लाइट ऐड करूंगा कर्व को इंक्रीज करते हुए एंड बाकी सारा टेम्परेचर वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हो। मैं सिंपली इतना होने के बाद ओके किया एंड ये मेरा अप्लाई हो गया बैकग्राउंड के ऊपर। अभी सिंपली कंट्रोल जे दबाते हुए इसका डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रे कैमरा फिल्टर ओपन किया एंड यहां से मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर का जो सैचुरेशन है आप चाहो तो जीरो कर सकते हो। एंड इसके बाद इसका ह्यू को भी पूरा -100 करके इसका जो लुमिनेंस है इस लुमिनेंस को आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। एंड उसके बाद टेम्परेचर को +10 के आसपास आप अपने हिसाब से डाल सकते हो एंड कर देना ओके। अभी काम है मेन सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करके इसका जो अप्लाई करता हूँ लेयर मास्क को एंड उसके बाद कंट्रोल जे दबाते हुए डुप्लीकेट बनाता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा फिल्टर ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कैलिब्रेशन का जो ब्लू प्राइमरी है इसका सैचुरेशन पूरा 100 कर दीजिएगा एंड उसके बाद ग्रीन प्राइमरी का सैचुरेशन भी 100 कर दीजिएगा। बाकी रेड प्राइमरी का कुछ करने का जरूरत नहीं है। शार्पनिंग 25, नॉइज रिडक्शन 30 एंड कलर नॉइज रिडक्शन नियर अबाउट 30। ऐसे चीजें डालने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ से कलर मिक्सर के अंदर, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से लुमिनेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। अभी येलो कलर का सैचुरेशन और भी चाहो तो थोड़ा सा डाल सकते हो, ग्रीन कलर का सैचुरेशन डाल सकते हो क्योंकि इस फोटो के अंदर वो सारा कलर्स यहाँ से अवेलेबल है। अभी सिंपली कर्व के अंदर आके थोड़ा सा कर्व यहाँ से डाल सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा सा डाल देना। टेक्सचर के बाद आपको टेम्परेचर सेट करने की जगह है। टेम्परेचर मैं बाद में सेट करूंगा, अभी टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अभी सिंपली लाइट का थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, जहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डालूंगा, ब्लैक को थोड़ा सा डाउन करूंगा, व्हाइट को लिटिल बिट ऐड होगा, शैडो थोड़ा सा ऐड होगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, शैडो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाईलाइट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सिंपली कर देना ओके। देखिए हमारा तो फोटो एडिटिंग लगभग कंप्लीट है। अब स्काई रिप्लेसमेंट वाला जो लेयर है इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। फिल्टर पे जाता हूँ, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, यहाँ से ब्लर अप्लाई करूंगा लगभग 10 pixels का। अभी सिंपली बैकग्राउंड के वो थोड़ा सा ब्लर और भी अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए फिल्टर पे जाऊंगा, ब्लर गैलरी एंड टिल्ट शिफ्ट, बैकग्राउंड लेयर को ही मैंने यहाँ से चूज किया एंड यहाँ से प्लेसमेंट करूंगा कुछ ये वाला जगह के अंदर एंड यहाँ से ब्लर परफेक्ट तरीके से मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। एंड इतना सारा होने के बाद मैं करता हूँ ओके एंड ये मेरा ब्लर अप्लाई हो चुका है। अब इतना सारा चीजें होने के बाद मैं यूज करूंगा एक सनफ्लेक। तो मैंने एक सनफ्लेक यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका ब्लेंडिंग मोड को मैं किया स्क्रीन एंड स्क्रीन करने के बाद इसको प्रॉपर जगह पे इसको प्लेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जगह के अंदर मैं इसको प्लेसमेंट कर दिया पहले। एंड अभी क्या करना है ना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक हुई सैचुरेशन वाला लेयर लूंगा, क्लिपिंग मास्क क्रिएट करूंगा एंड इसका जो मास्टर सैचुरेशन है ये आप सैचुरेशन को पूरा -100 कर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो फोटो कैसा बन पाया है। सो देख सकते हो मेरा फोटो एडिटिंग कम्प्लीटेड है। तो पहले फोटो था कुछ ऐसा, एडिटिंग करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मेरे को मिल चुका है। सो आशा करता हूँ आज का एडिटिंग आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से एडिटिंग रिलेटेड वीडियो।
वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।